नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई एम बैक विद द बैंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा कैसे आया हूं। भाई, पिछली बार अगर आपको याद है तो मैंने आलू में से सोना निकाला था, और अब की बार सोने ने जलेबी की फैक्ट्रियां लगवाई थी। अब की बारी गलत नहीं था मैं। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सबसे बड़ी बात तो हमें ही मिलेगा, मुझे खास तौर पे, जब इस वाले हाथ से मैं यूं करके बनाऊंगा ना जलेबियां, तब आप याद करोगे कि वाह क्या बंदा था और कितना सटीक बोलता था, कितनी सही बात करता था भैया वो। जब एक जलेबी की फैक्ट्री डलती है तो खाली एक बंदे को रोजगार नहीं मिलता, चाशनी वाला, टीन के डब्बे वाला, कढ़ाई वाला, वो जो बूंदी जिसमें बनती है घटघट घटघट, वो बंदे, वो लोग, पूरी फैक्ट्री, शुगर वाले, सबको काम मिलता है। oh, no. हमारी जिंदगी से तो भैया शुगर 2014 के बाद से बंद ही है। थोड़ी बहुत मिठास बीच में चख ली थी जब थोड़ी सी सीटें आ गई थी, लेकिन उससे उसके बाद से फिर वही कड़वी जलेबियां खा रहे हैं। अब मैं लोगों को बोल रहा हूं जलेबी की फैक्ट्रियां डालूंगा और डाल के रहूंगा मैं, ये कोई रोक नहीं पाएगा। जब भी मैं अपनी पार्टी को देखता हूं ध्यान से, उसमें और जलेबी में कोई फर्क नहीं नजर आता। कहां से नजर आएगा आप देखिए, वो भी ऐसे राउंड 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 अजीब सी हो जाती है, और हमारी पार्टी भी अजीब सी हो रखी है, सब घूमे जा रहे हैं। वो तो आज मैं हूं जो जलेबी के अंदर चाशनी के इंजेक्शन भर भर के दे रहा हूं, वरना तो क्या है, कुछ भी नहीं है। नमक तो हमने भैया बहुत चाट लिया, बहुत सूंघ भी लिया, लेकिन अब बारी आती है मीठे की। मम्मी ने भी कहा नहीं, बहुत हो गया लोगों को ड्रिंक्स पिलाना, लोगों को और सब चीजें देना। सर, आपके लिए भी है, आपको जो खांसी हो रही है, दो जलेबी खाइए गर्म करके और देखिए खांसी गायब। खड़गे साहब को तो मैं दूसरी जगह से खिलाऊंगा ताकि उनका जो मुंह इतना बड़ा हो रखा है वो थोड़ा कम हो जाए, और वो पूरी की पूरी खा भी जाएंगे, उनकी हर चीज बड़ी है, मुंह ही देख लीजिए इतना बड़ा लगता। मैं वो वाले मुंह की बात नहीं कर रहा, दूसरे मुंह की बात कर रहा हूं। गुफा पे समझिए आप, गुफा वाली तरफ से समझिए आप, ये वाला मुंह तो बहुत ही बड़ा है, और वहां तो पूरी की पूरी पार्टी की मीटिंग वहीं होती है दूसरी वाली तरफ। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिसको आदमी ने जितना चीजों का साइज बड़ा दिया है वो दिया है, क्या कर सकते हैं। चाहे वो खड़गे साहब हुए, चाहे वो हमारे केजरीवाल साहब हुए, वो तब से कड़वाहट बेच रहे थे इसलिए अंदर घुस गए। अब हम लोग जो है फैक्ट्री डालेंगे जलेबी की, तो उसके बाद मिठास ही मिठास भर देंगे लोगों के जीवन में, और फिर दिवाली वगैरह भी आ ही रही है तो सेल भी उठ जाएगी, उसके बाद चाहे बंद कर देंगे हम इस चीज को। मैं सोच रहा हूँ लगे आते शादी वादी भी कर ही लूं, ताकि मम्मी का भी बोझ उतरेगा और जो जलेबी बच जाएगी मैं अपने बारातियों में बांट दूंगा। बारातियों का स्वागत जलेबी से होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। अब हाथ सिर्फ दो ही काम के लिए इस्तेमाल में आता है। चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है? धोनी, धोने के काम। और दूसरा अब जलेबी बनाने के काम आया करेगा, क्योंकि पार्टी पूर्टी तो गई तेल लगवाने, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है अब तो। दोस्तों, oh, no. मैं इस मंच से आपको बोल रहा हूं कि अब हमारे कांग्रेस पार्टी ब्रांड की जलेबियां आप
इस बार दिवाली पे ट्राई कीजिए। फैक्ट्रियों में बांटिए, अपने वर्कर्स में बांटिए, 10 डब्बों पे एक डब्बा फ्री, वो आप अपने घर ले जाइए। जरूर कीजिए, सबको खिलाइए, सबकी जिंदगी में चरस बोई चाशनी बिखेरिए और चाशनी चटवाइए। चाशनी चटवाने को बोल रहा हूं, आप कहीं और ना, एक तो आप गलत जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर आता हूं आपके पास ऐसा ही एक यूनिक आइडिया लेकर के। अब की बार सोच रहा हूं कि जलेबी के साथ साथ समोसे भी बनाने शुरू कर दूं। आलू तो पिछली बार था ही और तभी के बचे हुए हैं। देखिए अब आप, नमस्कार, बाय बाय एंड भैया गॉड ब्लेस।